टेंथ क्लास मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर टू, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज नंबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 2। If alpha comma beta are the roots of the equations, x square minus 3x plus 6 is equal to 0, the question ke andar requirement thodi si different hai. Form an equation whose roots are, आपने एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स गिवन हैं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए है, टू अल्फा प्लस वन
कॉमा टू बीटा प्लस वन, ये इनको मैं सेम कलर देता हूँ, ये अल्फा है टोटल जो कि टू अल्फा प्लस वन है, और जो सेकेंड रूट है टू बीटा प्लस वन है, ये ओवरऑल बीटा की इक्वल है। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड में हमारे पास इक्वेशन होता है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। इसमें अगर आपको एस और पी का वैल्यू मिल जाए तो दोनों वैल्यूज को प्लग करेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। अब मेरे पास जो स्टैंडर्ड में गिवन इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा, ये रूट्स इसके होंगे माइनस बी अपॉन ए, जो कि हम पहले बहुत ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं। सिंपल मैं कह सकता हूँ इट इज़ थ्री, क्योंकि माइनस थ्री है और माइनस थ्री अपॉन वन, तो ये माइनस थ्री और माइनस आप उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, थ्री विल बी द सम ऑफ द रूट्स। और इसी तरह आपने प्रोडक्ट निकालना है अल्फा बीटा, ये होता है आपके पास c अपॉन ए, तो c का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 6 है, तो इट विल बी 6 अपॉन 1, तो आंसर इसका 6 आ जाएगा। अब ये इन दो वैल्यूज को आपने यूज करना है, जब आप सम ऑफ रूट्स निकालते हैं जिस इक्वेशन को हम फॉर्म करने जा रहे हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे साइन अप विद प्लस, सम ऑफ द रूट्स ये जो वन है इसको आप ले जाएं यहाँ पे प्लस, ये टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। मैंने वन वन को इकट्ठा कर लिया है और नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से आप टू ले लेंगे कॉमन, और ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, और यहाँ के बाद ये ब्रैकेट क्लोज किया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है दैट इज थ्री, वो हम यूज कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स, इसकी मैं कलर स्कीम चेंज कर देता हूँ, ये आ जाएंगे और ये आपके पास हो जाएंगे टू इंटू थ्री, जो कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास मौजूद है प्लस टू। देन ये आपके पास हो जाएंगे जी टू थ्री दस सिक्स प्लस टू, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास बन जाएंगे एट।
ये सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गए, एस का वैल्यू यानी कि हमने फाइंड कर लिया। अभी हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो होते हैं अल्फा बीटा। ये मैं कॉपी करके लाता हूँ, यहाँ से इसको किया कॉपी और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया पेस्ट। अब क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट डाल देते हैं और यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट देन ब्रैकेट क्लोज, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन में जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू फोर अल्फा बीटा और प्लस टू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस वन। अब आप देखें आपके पास अल्फा बीटा का वैल्यू जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं दैट इज सिक्स और अल्फा प्लस बीटा थ्री, ये दोनों वैल्यूज को आप रिप्लेस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू फोर अल्फा बीटा का वैल्यू आपके पास है सिक्स, वैल्यू सिक्स प्लग करें प्लस टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास थ्री है तो थ्री प्लग कर दें देन प्लस वन। Then product of the roots is equal to 6 4 the 24 plus 2 3 the 6 plus 1. Then product of the roots रूट्स इज इक्वल टू 31। ये आपका आ गया आंसर। एक सम का आंसर चाहिए था आपको, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसको लिखते हैं आंसर। ये सम ऑफ रूट्स हैं और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। अगर जब ये दोनों आपके पास आ जाते हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल बी और कंट्रोल यू, और इसको भी मैं आपके पास ये जो सम ऑफ द रूट्स आए हैं इसको भी बोल्ड करता हूँ, अंडर रूट कर देता हूँ, ताकि आपको ये बात पता चल सके कि हमने इसका जो स्टैंडर्ड में इक्वेशन हमें चाहिए था वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कैपिटल होगा और प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अभी स्टैंडर्ड में जब इसका हम आंसर देंगे
एस का वैल्यू हमारे पास है 8, मैं 8 प्लग कर रहा हूँ, और पी का आंसर 31 है, ये 31 प्लग कर दिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड में इकोनॉमी मिल गया है, जो कि हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू प्लग किया था। इसके साथ ही इस पार्ट का कंप्लीशन होता है, और नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। थैंक यू वेरी मच।